हेडिंग डाल दो राजस्थान का साहित्य। साहित्य में लगभग राजस्थान की, वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा साहित्य है, अगर साहित्यिक दृष्टि से देखें तो कम से कम 700-800 किताबें होगी जो अब तक लिखी जा चुकी है अलग अलग विषयों पर। अपन को ऐतिहासिक दृष्टि से लगभग 25 से 30 किताबें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो लगभग कहीं किसी ने किसी न किसी एग्जाम में आई हुई। कितनी? 25 से 30, शुरुआत से लेकर के लगभग 18वीं शताब्दी तक, 18वीं-19वीं शताब्दी तक जो लिखी गई है। जो किताबें पूछी गई हैं वो ज़्यादातर दरबारी किताबें पूछी गई हैं। जैसे ये किताब है, दरबारी मतलब किसी शासक के दरबार में लिखी गई किताबें, और वो उनके उसका इतिहास है या उसकी जीवनी के बारे में है, उसकी उपलब्धियों के बारे में है। जैसे नाम सुना होगा रासो, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो तो एक पर्टिकुलर किताब है। रासो मतलब किसी शासक की, राजवंश की संपूर्ण उपलब्धियों का इतिहास परक लेखन होता है। इतिहास परक मतलब जो घटनाएं घटित हो चुकी है उनको क्रमबद्धता की दृष्टि से लिखा जाता है। यदि भी उसमें तिथियां नहीं है, इन किताबों में तिथियां नहीं मिलेगी आपको, तिथि परक नहीं है कि इस दिन ये घटना हुई, फिर ये घटना हुई, फिर ये घटना, ऐसा नहीं है। कहानियों के रूप में सारी उपलब्धियां। तो जैसे देखो ये किताब है, पृथ्वीराज विजय। देखो किताब का नाम लिखो, पृथ्वीराज विजय। हाँ किताब का नाम है, ये काम करो ऐसे नहीं। दो कॉलम बना दो, पुस्तक लेखक और विशेष, तीन कॉलम बना दो। पृथ्वीराज विजय लेखक हैं जयानक, बारहवीं सदी में लिखी गई पुस्तक है जो अजमेर के चौहानों का वर्णन है। इसमें विशेष में लिखना है। देखो किताब का नाम क्या है, पृथ्वीराज विजय। लेखक कौन है, जयानक। किस राजवंश का वर्णन है, अजमेर के चौहानों का इतिहास है। विशेष में लिख लो, अजमेर के चौहानों का इतिहास वर्णित है। अजमेर के चौहानों का वर्णन है। और ये जो जयानक है ना, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। अमीर महाकाव्य,
नए चंसूरी। इसमें रणथंभौर का इतिहास है, इसमें अमीर महाकाव्य, ये जो अमीर है ना, ये रणथंभौर का शासक है, अमीर चौहान, रणथंभौर के चौहान। देखा कौन है, नयचंद सूरी। विशेष क्या है इसमें, रणथंभौर का इतिहास है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी और अमीर देव के बीच बीच युद्ध का वर्णन है, इसमें युद्ध का वर्णन है। युद्ध का वर्णन कौन सी किताब है, अमीर महाकाव्य, नयचंद सूरी। कहीं कहीं इसको नयचंद को नयनचंद लिखा होगा, वास्तविक नाम नयचंद ही है, कहीं के नयचंद मिल सकता है। पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का इतिहास वर्णित है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का इतिहास वर्णित है। ये पृथ्वीराज चौहान का दरबारी है कौन, चंद बरदाई। जयानक भी दरबारी था, जयानक। अमीर रासो, जोधराज, रणथंभौर का इतिहास वर्णित है। हुमान रासो,
दलपत विजय। मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर कुमांड तक का इतिहास वर्णित है। कुमांड तक का इतिहास वर्णित है। दयालदास विख्यात लेखक दयालदास। बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास है इसमें, और शुरुआत जोधपुर से होती है। मतलब बीकानेर की स्थापना बीका जी ने की। बीका जी से पहले के राठौड़ जो जोधपुर के थे, वहां से लेकर के बीकानेर के राठौड़ों तक का, समझ गए? बीका जी से पहले जोधपुर के राठौड़, फिर बीका जी यहाँ आए, बीकानेर की स्थापना की, फिर उसके आगे का इतिहास। यानी जोधपुर का कुछ इतिहास है, बाकी बीकानेर के राठौड़ों का इतिहास। लेखक कौन है? दयालदास। कानरदेव प्रबंध पद्मनाभ। जालोर के शासक कांगड़देव का वर्णन है, और अलाउद्दीन के साथ युद्ध का वर्णन है। कहीं कहीं पद्मनाभ को ऐसे भी लिखा मिलेगा। वो भी सही है, पद्मनाभ।
पहली किशन रुक्मणी री, पहली किशन रुक्मणी, लेखक पृथ्वीराज, रुक्मणी और भगवान कृष्ण की कहानी, विवाह की कहानी है। विशलदेव रासो, विशलदेव रासो, ये विशलदेव रासो नरपति नाला लेखक हैं। नरपति नाल विशलदेव अजमेर के शासक हैं। कौन विशलदेव? इनको विग्रहराज चतुर्थ भी कहते हैं। विग्रहराज चतुर्थ किसको? विशलदेव को, यानी ऐसे। चतुर्थ विशलदेव रासो लेखक हैं। नरपति नाल किसका है? अजमेर के शासक हैं। इनकी इसमें विशलदेव और इनकी पत्नी राजमती की प्रेम और विरह की कहानी लिख लो। इसमें विशलदेव और उनकी पत्नी राजमती के प्रेम और विरह की कहानी, प्रेम और विरह की कहानी। इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ प्रश्न है कि किस पुस्तक की मुख्य महिला पात्र का नाम राजमती था? ये स्कूल लेक्चर में पूछा हुआ, किस पुस्तक की महिला पात्र का नाम राजमती है? कौन से? विशलदेव रासो। राजमती विशलदेव की पत्नी है, उनकी प्रेम कहानी और विरह की कहानी।
नेक्स्ट किताब है अचलदास खिचड़ी वचनिका, अचलदास गागरौन का शासक था, गागरौन का शासक। पुस्तक का लेखक शिवदास गार्डन। इसमें गागरौन का इतिहास है। अचलदास के युद्धों का वर्णन है। अचलदास किची के युद्धों का वर्णन है। लेखक है शिवदास गार्डन। वीर विनोद नाम सुना है। श्यामलदास द्वारा रचित है। राजस्थान के राजवंशों का वर्णन है इसमें। वीर विनोद श्यामलदास द्वारा रचित है। राव जय शिरो छंद। पिट्ठू जी सूजा द्वारा रचित। ये जो जेतसी है ना बीकानेर के शासक हैं। बीकानेर के शासक और इनका इतिहास वर्णित है। वंश भास्कर इसमें राजस्थान का इतिहास है। वंश भास्कर में
अन्य पुस्तकें किसकी? हाँ सूर्य मल मिशन की अन्य पुस्तकें वीर सत्सई, छंदमय युग, बलवंत विलास, राम रंजाट, तीन की अन्य पुस्तकें ये सारी किताबें हैं सूर्यमल मिशन की। वीर सत्सई, छंदमय युग, बलवंत विलास, राम रंजाट। बिहारी सत्सई, कवि बिहारी मल द्वारा रचित, किसके दरबारी थे ये? जयपुर के शासक जय सिंह। जय सिंह कौन सा? मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है, ध्यान रखना, सवाई जय सिंह नहीं, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि है, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि। जयपुर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि। जयपुर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि। फूले माला किताब का नाम है। उद्योतन सूरी द्वारा रचित, प्रत्यार शासक
वत्स राज के काल में लिखी गई। काल में लिखी गई। प्रत्यार शासक वत्स राज के काल में लिखी गई पुस्तक है। ये जालोर का शासक था। कौन? वत्स राज जालोर का शासक था। इसमें जालोर का इतिहास है। सूरज प्रकाश कर्णीदान लेखक। जोधपुर के शासक अभय सिंह के युद्धों का वर्णन है। अभय सिंह के युद्धों का वर्णन है। दरबारी कवि है। इसमें भी राजरूपक में लेखक है वीरबाण और जोधपुर के शासक जो अभय सिंह है उनका इतिहास है। जोधपुर के शासक गज सिंह का इतिहास है। गुणभास गुणभास किरतार बावनी लेखक दुर्सा आढ़ा। इसमें श्रमजीवी जातियों का वर्णन है। श्रमजीवी जातियां मतलब सुथार लोहार कारीगर वगैरह होते हैं ना उनका।
चंद डाडी या कवि कलोल, ऑप्शन में कोई एक आएगा। जब भी पूछा हुआ प्रश्न है ना उसमें यही पूछा है, जब भी इसमें डोला मारू की प्रेम कहानी है। हाँ, कहीं पर इसको लिखा हुआ है कलोल, और सरित कहीं पर चंद ढाडी को लिखा हुआ है, जबकि जब पूछा हुआ है ना तो चंद ढाडी ही पूछा हुआ। ढोला मारवाड़ी, हरराज, इसमें प्रेम कहानी है। पूर्ण रूपक केशवदास, जोधपुर के शासक गज सिंह का इतिहास है। कलालेंग, अमरनाथ जोगी, सिंगल कोस पर्यायवाची शब्द है इसमें राजस्थानी भाषा के।
केहर प्रकाश, ये इनका इतिहास है, केहर इनका इतिहास है। प्रकाश का मतलब किसी व्यक्ति की, व्यक्तिगत इतिहास का वर्णन होता है प्रकाश में। जैसे बाबू प्रकाश, इसका लेखक आसिया मोड जी है, आसिया मोड जी, बाबू जी की कहानियां हैं उसमें, बाबू जी का इतिहास पूछा हुआ है। ये किताब भी पूछी हुई है। तगत सी रासो आसिया मोड़ जी, बाबू प्रकाश का लेखक। तगत सी रासो लेखक कौन है? गिरधर आसिया। ये सगत सी कौन है? शक्ति सिंह है। हाँ सुना शक्ति सिंह का? नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना शक्ति सिंह का नाम? नहीं सुना कभी भी नहीं सुना। क्या करते हो सब दिन? अब तक क्या किया है? महाराणा प्रताप का भाई है ये, जो अकबर के पास चला गया था, लेकिन जब हल्दीघाटी का युद्ध हुआ उस समय वो अकबर के पक्ष में था, लेकिन युद्ध नहीं कर रहा था। बहुत सारे थे, हाँ। युद्ध में जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, युद्ध क्षेत्र से बाहर जाते हैं, तब ये शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के पीछे गया। जब इनका घोड़ा चेतक की मृत्यु हो जाती है तो इसने अपना घोड़ा दिया और सॉरी बोला कि अब तक की जो भी गलती की है मैंने उसके लिए माफी चाहता हूँ। उसी का नाम से एक किताब लिखी गई है, गिरधर आसिया शक्ति सिंह पर। आगे लिख लो विषय में, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह का इतिहास वर्णित है। शक्ति सिंह के बारे में वर्णन है। जितने भी एग्जाम हुआ है उन सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं।